म्यूट पर आप। अरण्य कांड का 16 संख्या 2 है, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े उकर चोह को कृपाल रघुबीर सम। यहाँ पर रामचंद्र जी का जो स्वभाव है उसके बारे में 16 में बताया जा रहा है, और जयंत के जो जयंत का प्रसंग है उसके बाद का ये 16 है, जब उन्होंने एक मामूली सा दंड दे करके जयंत को छोड़ दिया था, तो भगवान शिव पार्वती जी को इस 16 के द्वारा भगवान के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पर इंगित कर देते हैं कि मोह के कारणवश मनुष्य इस संसार में जब आएगा तो जो हमारी संरचना है 5 तत्वों से हमारा बना हुआ शरीर, उसमें जो हमारे अंदर कमजोरियां आती हैं उसमें से एक कमजोरी मोह भी है, तो मोह होने के कारण पूरी रामायण में मोह के कारण अनेक प्रसंगों में प्रश्न हमें मिलते रहे हैं, तो मोह के कारण हम गलतियां भी करेंगे, भूले करेंगे, चूके करेंगे, लेकिन यदि हम शरणागत हो जाएंगे, भगवान के शरणागत होके अपनी भूल को चूक को मान लेंगे तो भी भगवान हमको क्षमा कर देंगे। तो यहाँ से इस स्वभाव का पता चलता है कि ये छोटी सी भूल थी, और रावण ने तो माता सीता का हरण ही कर लिया था, और कितने लोग जा जाके उसको समझाते हैं कि तुम क्षमा मांग लो, अभी भी क्षमा, मंदोदरी, हनुमान, अंगद, विभीषण, माल्यवंत, सभी लोग समझाते हैं, लेकिन चूंकि वह भगवान के स्वभाव की इस बात से अनभिज्ञ है, वो अलग चीज है कि वो अपना मोक्ष चाहता है, वो शरणागत नहीं होता, इसलिए उसको पूर्ण दंड मिलता है, जबकि प्रभु छाड़े उकर छोह को कृपाल रघुबीर सम। तो ऐसा कृपालु भगवान राम के सिवाय और कौन है जो हमें भूल चूक पाप ये सब करने के बाद भी अपनी कृपा के स्वभाव के कारण, कृपालु स्वभाव के कारण हमें क्षमा करते हैं और हमारी भूलों को माफ कर देते हैं। जय श्री।